पीएमएल ने सिक्योर किए 166 राहे हक 1, इंडिपेंडेंट 5 और पीपल्स पार्टी 7, ये कुल हो जाते हैं 179। पीटीआई ने स्कोर किए 176 और क्यू ने किए 10। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं, आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। और मैं राजा साहब तशरीफ रखें, नो राजा साहब नो, लेट मी स्पीक। एक मिनट, आप लोग तशरीफ रखें। दिस इज नॉट द वे। मैंने बात मुकम्मल नहीं की अभी। राजा साहब तशरीफ रखें आप प्लीज, मैं आपको बात करने दूंगा मौका। लेट मी फिनिश, मैं आपको मौका दूंगा। ये गलत, ये हरकत नहीं चलेगी यहां पे, ये हरकत बिल्कुल नहीं चलेगी। ये मुझे लेटर मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब की तरफ से, मैं इसके डिटेल्स पढ़ रहा हूं और मैं तमाम हाउस को सुना रहा हूं, तमाम मीडिया भी देख रही है, पूरा हाउस देख रहा है, पूरी दुनिया में मीडिया भी देख रही है। डायरेक्शंस टू द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब बिलोंगिंग टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग। डियर सर, इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब इज स्केड्यूल टू बी हेल्ड ऑन July 22, 2022। As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. Wait, letter. आप खामोश रहें, मैंने आपको खामोश के लिए कहा है, खामोश रहें। And copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand here in above. Hafiz Amar Yasir, MPA PP 224 PML. Shuja Nawaz, MPA PP 28 PML. Mohammad Abdullah Wadaich, MPA PP 29 PML. Mr. Parvez Ilahi, MPA PPL 30 PML. मोहम्मद रिजवान, एमपीए पीपी 41 पीएमएल। सजाद साजिद अहमद खान, पीपी 67 पीएमएलएन। एहसानुल्लाह चौधरी, पीपी 249 पीएमएलएन पीएमएल। मोहम्मद अफजल, एमपीए पीपी 250 पीएमएल। बिस्मा चौधरी, एमपीए पीपी डब्ल्यू 361 पीएमएल। खतीजा उमर, एमपीए पीपी डब्ल्यू 362 PML। इस लेटर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जितने भी वोट PMLN के कास्ट हुए हैं वो रिजेक्ट होते हैं। PML काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। और मैं मीनवाइल अनाउंस करूं कि इस टाइम 10 वोट खत्म होने के बाद, जी राजा साहब आप बात करना चाहेंगे, मैडम आप बैठे, राजा साहब ने पहले बात करनी है, राजा साहब बात करेंगे सर। जी राजा साहब आप प्लीज, शुक्रिया जनाब, नो क्रॉस टॉक प्लीज, राजा साहब को बात करने दें। जनाब स्पीकर जी, मैं जनाब की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ 63A की तरफ। यार ये लाइट जरा एक साइड पे कर दे, यार लाइट एक साइड पे कर दे यार, आप आगे से जनाब स्पीकर, जनाबे स्पीकर, वोट की डायरेक्शन देने के लिए किसको हक हासिल है? कानून और आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हक हासिल है द पार्टी चीफ, पार्लियामेंट्री लीडर सर। आप पढ़ें, पार्टी चीफ आप पढ़ें सर, द पार्टी चीफ आप पढ़ लें उसको। जी मैं पढ़ता हूं, मैं आप पढ़ लें, मैं अभी पार्टी चीफ, मैं अभी पढ़ता हूं जनाबे स्पीकर। 63A(1) का बी, वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस कंट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इश्यूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी टू विच ही बिलोंग्स। पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह जो है वो चौधरी साजिद है, उन्होंने डायरेक्शन देनी थी। और सर मेरी आप कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ें, जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए जनाब स्पीकर, मेरी बात, कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ें, मेरी पूरी बात सुन ले, आप कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ें, मैं पूरी बात सुन, जी राजा साहब जी सर जी,
आप प्लीज कोर्ट के ऑर्डर पढ़े आपने सर, मेरी बात जो लेना जो मैंने बात करी 17 जी जी राज साहब, अब मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि कल इनकी पीएमएलक्यू की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ जिसमें इन्होंने बाकायदा फैसला किया कि इन्होंने वोट जो है चौधरी परवेज इलाही साहब के हक में दे दे। अब आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं, चौधरी परवेज ने खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, इसमें मेरा इसमें पीएमएल सर उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है, लेटर है मेरे उनको इख्तियार ही नहीं हासिल है, मेरा कैसे सर उनको इख्तियार नहीं है, मुताबिक इख्तियार है। और मैंने राजा साहब मैंने मेरी बात सुने राजा साहब प्लीज ट्राई टू लिसन, इस लेटर के मुताबिक मैंने चौधरी शुजात साहब से फोन पे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि तीन मरतब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ओके है लेटर, बिल्कुल मैंने दिया एज अ पार्टी चीफ, उन्होंने लेटर दिया आप नहीं पूछ एज अ पार्टी चीफ, उन्होंने लेटर दिया। मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात सुन चुका हूं, मेरी बात सुन ले, जो फाइल आपको हमने दी है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला मौजूद है नंबर वन नंबर दो, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सर आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि फलां बंदा वोट दे सकता है या फलां वोट नहीं दे सकता, आपके पास मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मैं काम कर रहा हूं यहां पे, आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक यहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मैं काम कर रहा हूं। आप 63A पढ़ ले और उसमें ये पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी जो लोग डीसीट हुए उनके क्या रूलिंग दी आपने, आपने पढ़ा उसमें, आपने पढ़ा उसमें, आपने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है आपको देता हूं, लोग हमारे अरे रेफरेंस ले ले, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं सर, आप मेरे साथ बहस न करें, मेरी बात सुन ले, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा, मैं ये चेयर का नहीं, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो लोग 20 डीसीट हुए थे वो हमारे रेफरेंस हुए हैं और हमने रेफरेंस जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह की तरफ से रेफरेंस फाइल किया था। मैं मेरे पास ना रेफरेंस है ना कुछ है, मैंने चौधरी शुजात साहब ने मुझे कहा, मैंने वो मुजाज ही नहीं है, ही इज द पार्टी सर, वो मुजाज ही नहीं है, वो है दिस नहीं मजाज है, मेरी उनसे बात मैं हुई कह रहा हूँ वो मजाज नहीं है, पार्टी चीफ उनसे बात हुई, पार्टी का हेड मजाज है इस बात का। और दूसरी बात फॉर द डिटेल रीजन टू फॉलो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 17/5/2022 पास इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 और 2020 नंबर 1 और 2022 एंड सीपी नंबर 2/2022 एंड 9/2022 एंड consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League vote in favor of Chaudhry Parvez Elahi. मैं कर सकता हूँ, मैं अगर नहीं कर सकते, if you want to challenge, आप बेशक जाके challenge करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। As the consequence of Mr. Hamza Shehbaz Sharif is declared as a returned candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of Article 130 of the Constitution, proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997. आप सारा गलत पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं आप। चुना के मैंने अपना ऑर्डर सुना दिए, चुना के ये इजलास अदालती एकामात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए था और आज इसके इजलास की कार्रवाई के मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास प्ररोक किया जाता है। पंजाब असेंबली का इजलास अपने इख्तिताम को पहुंचा और वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए हैं हमजा शहबाज, उन्होंने 179 वोट हासिल किया।